बट उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ इस लेवल के डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं कभी कभी हमें वो वर्ड समझ में ही नहीं आते हैं राइट right? सो so, आज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सीरीज ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन दैट इज हाउ टू डिड्यूस द मीनिंग ऑफ अ वर्ड दैट इज अ वोकैबुलरी सीरीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज नॉट ओनली इन लाइक कॉम्प्रीहेंशन अगर आपको किसी तरह के बाकी क्वेश्चन भी आते हैं यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड वट इज द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉम वेयर दैट वर्ड इज देयर तब भी आप कर सकते हो कभी कभी बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम कभी कभी एक ही वर्ड के ऊपर पूरा पैसेज बेस्ड होता है सो so, अगर आपको उस मीनिंग उस वर्ड का मीनिंग नहीं आता होगा उसके बाद आपको लगेगा मुझे कॉम्प्रीहेंशन ही नहीं आता है सो टूडे विल्वेस्ट स्टूडेंट एंड डेफिनेटली फॉर एटर स्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सीरीज इज कॉल एज दबलरी दुकेबलरीज

Right. So so your series just case you may start the review. You it will be really beneficial for you. Or please be regular in this series of the vocabulary and you will gain a lot from this series. This I can assure in the end of the series you will finding that it was a great help for you in solving the various comprehensions, vocabulary, and just having the good understanding knowledge of a word. Now let's start with today's series. So that is a word formation. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिए कि वर्ड फॉर्मेशन क्या है वर्ड फॉर्मेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड हाउ अ वर्ड वाज़ फॉर्मड मैक्सिमम वर्ड्स जो इंग्लिश में हैं, इफ यू से दे आर फॉर्म्ड ऑफ रूट्स, दे रूट्स पढ़ लेते हैं तो एट्टी टू नाइन एसेंट वर्ड्स हमें वैसे समझ में आ जाते हैं काफी कम वर्ड्स रह जाते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते राइट right? सो तो इसीलिए हम लोग आज रूट्स के ऊपर जाते करेंगे कि कैसे हम रूट से एक वर्ड को डिराइव कर सकते हैं ऑलवेज रिमेंबर रूट जो है वो हमेशा वर्ड के क्लोजर लेके जाएगा हमें वर्ड के आंसर के बिल्कुल क्लोजर लेके जाएगा बट रूट डजेंट गिव अस अ डायरेक्ट आंसर राइट से फॉर एग्जाम्पल रूट से इफ से

So, in nutshell, Hamarapas there are two different type of roots: a positive root and a negative root. Positive root and a negative root. Positive root always makes a word positive, and a negative root always gives a negative. Say abhe. It is a negative word. Negative root abnormal away from normal abnormal. Similarly, take two examples. Re

एंड सी इज अ पॉजिटिव रूट गोइंग हेड सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव रूट हमें यह बताने में हेल्पफुल रहते हैं कि ये वर्ड हमें एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है या पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है तभी हम लोग एक पैसेज में भी देख सकते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग अगर हम निकालें तो वो एक नेगेटिव मीनिंग है या एक पॉजिटिव मीनिंग है राइट सो रूट्स हम इसी को कहते हैं ईगो मीन आई ईगो इज अ रूट ईगो आई Egoist, self-centered person i est apne apne centered ego test one likes to talk about himself ego test test to talk ego who wants to talk about himself ego egoist self-centered and egotist who wants to talk about himself so ego means i

Uh, ad hoc, to add something for the immediate needs. Ad hoc. Referendum. Referendum comes from which word? Referral. Referendum means to reference, in reference to. So this is referendum. Now, we will be starting the roots from the alphabetical order. That will be very, very comfortable for you to understand and to remember. Right? So let's start with the root A. First is ek. Ekr. एक्न्स दीज थ्री रूट मीन्स शार्प यानी कि जो भी वर्ड एक, एक से बनेंगेन्स शार्प और स्पीडीनियस एक दैट मीन्स शार्प पर्सन पर्सन हु इज वेरी शार्प इन आर्ग्यूमेंट्स बिटव जिसको हम कह देते यार ये तो बहुत ही का कोरा बोलता है दैट इज बिटव राइट असबिटी एक् स राइट सो इसी के साथ एक और पढ़ लीजिए एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक मीन्स स्पीड एक्सेलरेशन स्पीड राइट तो याक मीन्स शार्प एंड स्पीडी जो भी वर्ड इन तीन रूट से बनेंगे दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव मीनिंग वर्ड्स राइट नेक्स्ट अडल रूट एव और ईव

प्लस इ को मीन सेम ईव एज सेम एज मेड प्लस इव राइट मेट प्लस इव मिडल एज सो यू कैन से दैट वन वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम टू रूट्स ऑल्सो दो रूट को भी अगर आप कंबाइन करके एक रूट बना सकते हो प्राईविल प्राइ मीविल को ईविल मेट इविल राइट right? सो so, यहां पर भी मेड, ईव को ईव ईव, दैट मीन्स दैट इज अ प्रीफिक्स एंड दैट इज अ मिडल रूट सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडल रूट वी कैन हैव अ प्रीफिक्स ऑल्सो और प्रीफिक्स का अपना मतलब है को का अपना मतलब है मेड का अपना मतलब है राइट right? इन तीनों में से सो so अगेन नीचे जब हम ऑप्शंस पे जाएंगे तब हमारे लिए उस वर्ड का आंसर निकालना और इजी होगा राइट नेक्स्ट एग और एक्ट मींस टू डू एग एजेंट एक्ट डीड टू डू राइट सो दैट इज टू डू एग और एक्ट एगॉग मींस लीडर इट इज अ लास्ट रूट ए गॉग डेम एगॉग अगेन द सेम टाइम डेम प्रीफिक्स प्लस मिडल Dem means Dem plus Agog. Dem means people. Agog means leader. That is a leader of a people. Right. Demagog. Ped Pada Agog. Peda means child. Children. Agog means leader. Pedagog. agog. एक और वर्ड कीजिए मीज एगॉग मिस हमने किया था मिस मीन्स बैड एगॉग मीन्स लीडर दैट इज अ बैड लीडर राइट सो एगॉग मीन्स लीडर जहां भी आप ये रूट देखें एगॉग दैट मीन्स अ लीडर नेक्स्ट रूट एग्री या एग्रेरी मीन्स फील्ड एग्री जो भी वर्ड्स एग्री से बनते हैं या एग्रेरी से बनते हैं The means field, for example, agrarian, a person, agra, a person who works on fields, agriculture, that is a cultivation of a field, Peregr peregrination, wandering through the fields, right? So, agra, yeah, agri, that is a field. So, anything relating to the word field, it includes these two words, agri, yeah, agrarian. एलाय मीन्स अनादर इट्स वेरी कॉमन एलिया किसी को सेकेंड नेम वेन यू हैस सिमी सो एलियास इज अ सेकेंड नेम द अनदर नेम और अनदर ऑप्शन राइट एलाय मीन्स एनादर एलाइनेट मीन एलियन एलियन से आया अदरवाइज हम इसको डेरिवेटिव भी कह सकते हैं एलियन का डेरिवेटिव इज स्ट्रेंजर अदरवाइज एलाई मीन पर्सन टर्न अवे फ्रॉम फ्रॉमर लाइक इट इज अ एलियन से भी आप कर सकते हो आप इसको एलाई से भी कर सकते हो आप इसको बोथ द वेज ऑल्ट ऑल्ट दीन्स हाई ऑल्टीट्यूड हाइट ऑल्टी दैट इज अ मीटर टू मेयर दैट इज टू मेयर द हाइट ऑल्टर That is other. Alter. Alter. Another. Alter. Or we can say A L T R. Alter. Alter or alter. Altruistic. That means considering another's. Another option. Altruistic. Moving to the other options. Alter. That means ego a second cell.

एम से शुरू होते हैं उनका बेसिक मीनिंग होता है लव काफी बार ये वाले वर्ड्स काफी कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखे गए हैं इवन अगर आप सी की बात करते हो क्लाट की बात करते हो टॉक अबाउट एम सी इन्फ्लेंस काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में अगर आप सी सीट में भी देखो उसमें भी ऐसे वर्ड्स पूछ जाते हैं एमोरस मीन लविंगी लव एमी केबल फ्रेंडली लव इन फ्रेंडली So, am means love without a friendly. Anim. Animal, that is mind or soul. Mind or soul. Anim. Anim, advert. Anim means advert, means opposite. Anim means my soul. That is a opposite to the going against any soul. That is anim Edward. So when we are talking about the caste criticism, this word is deeply used when we are using a word of anim Edward. Unanimous. Una. Una means one. Anim means soul. Again, two roots, prefix and a root. Una means soul. Anim. Una un, un, un means one. Anim means soul of one mind. Magnamity. Magna. Magn. Large. Great. Magna means bada, micro means chota, anim means soul, magnanimity, greatness of mind or spirit. An or in means year, annuity, yearly, biennial, bi means two, in means year, biennial for two years, perennials, Pere means many, annuals present for many years so annuity means one by means two peri means many so a root with a prefix gives you a correct answer for the words anthrop that is a man anthropam man ko bolte right anthropology study of mankind is anthropology misanthrope right mis means bad anthrop mis means bad hate anthrop means mankind. hater of the mankind is misanthrope. philanthrop, a person who loves philan means love. mis, mis means hate or bad. and philan means love. phila means love. a person who loves mankind is philanthrop. Misanthrope, philanthrop. apt means fit. aptitude, that is a skill. skilled. Aptitude, fit, that is skilled. Adapt, making suitable or fit. Equa, you all know it means water. Equa ka matlab, water. Aqueduct, a duct through which the water passes. Aquatic, equa, living in water. Equa means nitric acid. Arc, ruler or first. There was a one word in the competition exam, archaic. Archaic. Arc. That is ark is a ruler also. Anarchy. Anarchy. An means without, not. arki means ruler. Without a ruler, by By means two. arki means ruler, having two rulers. But archaic. That doesn't mean a ruler. Archaic means first, ancient.

dis means destruction astra means stars destruction of stars yani ki moving contrary to the stars disaster odd ya audit means to hear sunna audible sunna auditorium odd where the people hear audience jo sunte auto again it's very simple means self autocracy autobiography ऑटोमोबाइल तो ऑटो ऑटोमीन्स सेल्फ जनरेटेड जो अपने आप चलता है सेल्फ सो दिस वाज द एंड ऑफ ए सो ए में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम बढ़ते गए काफी वर्ड्स रिपीट होते गए जैसे आप अपने दिमाग में कुछ ऐसे वर्ड जरूर रखिए, जो कि आपको हमेशा ही काम आएंगे राइट right? और वो काफी जगह हर जगह यूज होंगे वो वर्ड्स ये नहीं की वो आपको यहीं पर यूज होंगे वो काफी जगह आपको यूज होते रहेंगे वर्ड्स जैसे कि मैंने आपको बोला बाय मीन्स टू ट्राई मींस थ्री मोनो मीन्स वन पेरी मीन्स मैनी ठीक है पेडा मीज चाइल्ड मीजो मीन्स हेटिंग फिलान मीन्स लव राइट सिमिलरली अन मीन्स नॉट मिस मीन्स बैड डिस मीन्स बैड तो ऐसे कुछ रूट्स हैं जो कि रेगुलरली काफी वर्ड्स में रिपीट होते रहेंगे होते रहेंगे अगर ये बेसिक रूट तो आज मैंने आपको बेसिक रूट्स भी कराए हैं तो ये बेसिक रूट्स अगर आपके दिमाग में होंगे देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडरी वेरी इजीली इसी से ही आगे रूट निकल के आएंगे आर्कियोलॉजी अभी कल के एक क्वेश्चन पेपर था जिसमें था आर्कियाक राइट आर्कियाक तो उसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं आर्क आर्क से निकाल सकते हैं आर्क मीन एंशियंट आर्कियाक मीन समथिंग विच इज वेरी प्रीवियस राइट सो काफी वर्ड्स ऐसे हैं जो हम रूट से ही निकाल सकते हैं वी नीड नॉट टू क्रैम The vocabulary for total dictionary for doing our vocabulary exercises or to understand the words which are given in the comprehensions, you can very easily do these words so this was root word a so uh, hum apne hi series per today I have covered first letter of the alphabets a with all the root words Tomorrow I'll be covering with b and c they think, Agar b ke root zyada honge, so obviously please do understand these words because it is a लॉन्ग प्रोसेस इज नॉट वेरी शॉर्ट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड कल हम रिविजन करेंगे ए की प्लस हम अगला रूट करेंगे बी का राइट सो टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड डोट थिंक इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट इट वेरी इजी प्रोवाइडेड यू डू द रेगुलर प्रैक्टिस इन इंग्लिश रेगुलर प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर डू फॉर टू बी डॉन इन इंग्लिशुलर प्रैक्टिस नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आपको तब तक वो मुश्किल लगती इंग्लिश बिकॉज इट इज नॉट ग्रामिंग इट इज अंडरस्टैंडिंग क्रामिंग तो है ही है बट अगर आप उसको प्यार से अंडरस्टैंड करके करोगे दैट वुड अगेन अ वेरी गुड इजी टास्क राइट सो अगेन ऑल द बेस्ट एंड डू वेल कीप स्टार्टिंग बी सेफ